अब आपको खबरें दिखाते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रदेश के विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं। साथ ही राजकीय स्कूलों के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए सीएम धामी ने लाभार्थी छात्र छात्राओं के खाते में 12,000 रुपए जारी किए हैं। इस योजना का लाभ करीब 3.25 लाख बच्चों को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा, जब कभी भी मैं बच्चों और युवाओं के बीच जाता हूं, तो बचपन की यादें ताजा हो जाती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज जिन 2,65,000 छात्रों को टैबलेट मिलेंगे, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, आज हमारा ये साल का पहला दिन भी है और इस दिन की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश पूरी तरह से युवा है, निश्चित रूप से हम सब युवा लोग आने वाले भारत का निर्माण करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। समय हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। इस समय का इस्तेमाल पढ़ाई और कुछ सीखने में करना चाहिए। समय हमारा बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसको हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजन, हमसे बड़े सबका आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जीवन का अपना एक ध्येय बनाना चाहिए। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है और संकल्प में कभी कोई विकल्प ना आए। संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प हमसे संकल्प हमारा टूट जाता है और जब हमारा संकल्प टूट जाता है तो हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं। समय हमारा नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी दून के GGIC गर्ल्स कॉलेज में 100 छात्राओं को टैबलेट वितरित करते हुए छात्राओं से जनसंवाद भी किया। इस मौके पर सचिव शिक्षा, महानिदेशक शिक्षा समेत शिक्षा विभाग के अफसर मौजूद रहे। सीएम ने बताया, कोविड काल में निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रभावित हुई। सचिव शिक्षा ने बताया कि सरकार छात्राओं के और छात्रों के खाते में पैसे दे चुकी है, बच्चे स्वयं टैबलेट खरीदेंगे। पिछले दिनों जब कोरोना महामारी काफ़ी चरम पर थी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फ़ोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट सीधे DBT के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजे और क्लास 10 और क्लास 12 के और छात्रों को DBT के माध्यम से उनके खातों में ऑलरेडी पैसा पहुंचाया जा चुका है। अब ये सिंबॉलिक वितरण कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ GGIC राजपुर रोड में 100 छात्राओं को टैबलेट वितरण करेंगे और उसके साथ साथ 70 ऐसे डिफरेंट स्कूल्स हैं जो पूरे प्रदेश के, उसमें साइमल्टेनियसली प्रोग्राम हो रहा है और सभी 70 स्कूलों में 100-100 स्टूडेंट्स को टैबलेट वितरण किया जाएगा। इस तरीके से टोटल 7,000 टैबलेट्स का वितरण आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टैबलेट पाकर छात्राएं खासा उत्साहित दिखी। सभी ने सीएम को थैंक्स कहने के साथ ही इस टैबलेट को पढ़ाई के लिहाज से बेहद अहम माना है। न्यूज वन इंडिया विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने छात्राओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा छात्राओं ने, आपको सुनवाते हैं। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को टैबलेट का गिफ्ट दिया है। टैबलेट स्मार्ट है और इससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिन्हें टैबलेट अभी मिला, इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइएगा, आज आपको टैबलेट मिला, इससे कितना लाभ होगा आपको पढ़ाई में? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टैबलेट बांटे हैं, उससे हमें पढ़ाई में बहुत लाभ होगा। जो भी पहले परेशानियां होती थी, अब वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने हमें टैब वितरित किए हैं और इससे हमें पढ़ाई में बहुत लाभ होगा। कुछ और भी बच्चे हैं, आप बताइएगा, आज जो टैबलेट मिला है इससे आप लोग कितना खुश हैं? न्यू ईयर गिफ्ट इसे मानते हैं और एजुकेशन में भी आपको इससे फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा न्यू ईयर गिफ्ट तो गिफ्ट है, लेकिन इससे फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि जिन बच्चों के घर में फ़ोन वगैरह सुविधा नहीं होती है, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और चार परिवार में चार बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब वो आसान हो गई है। आप बताइएगा, इससे कितना आपको लाभ होने जा रहा है घर पर और पढ़ाई के लिहाज से कितना ज़रूरी था, क्योंकि कोविड काल में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी कहा।
ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती थी पर फिर हमें बहुत मैनेज करना पड़ता था घर पे, पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टैब वितरित करे हैं, इससे हमें काफ़ी सुविधा होगी हमें ऑनलाइन क्लासेस करने में। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें आज टैबलेट मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई में तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही समय भी बचेगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड से करेंगे। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश के सभी 70 विधानसभा में जाएगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई है। गोपाल राय ने बताया कि उत्तराखंड में चुनाव के लिए महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहले नए साल पर नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के 9 जगह से की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड नव निर्माण का संकल्प पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी 11,647 बूथों पर 3,00,000 से ज्यादा नव परिवर्तन प्रमुखों की फौज तैयार की जाएगी, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक नव परिवर्तन प्रमुख के पास 10 घरों की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 तारीख को देहरादून पहुंचने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल लगातार प्रदेश की जनता से मिल रहे हैं। कोटियाल प्रदेश के अलग अलग शहरों गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में कोटियाल गंगोत्री के दूर दराज गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ नए साल का जश्न मनाया। कर्नल अजय कोटियाल के गंगोत्री दौरे का 4th दिन है। कर्नल अजय कोटियाल का लक्ष्य है कि जिन गांवों तक कोई नेता नहीं पहुंचते, उनके बारे में नहीं सोचते हुए वहां पहुंचकर उनकी परेशानियों को जानना है। इस दौरान कर्नल कोटियाल गांव के लोगों के साथ छोटी छोटी जनसभा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार कोई हमसे मिलने आया है और हमारी परेशानियों को करीब से समझ रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि हम कर्नल अजय कोटियाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। ये गुरुजी सबसे पहले ये नंबर तो गुरुजी बन जी, मैं तो नाम ही नहीं पूछना चाहूंगा उनका, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, बहुत अच्छी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया और सितारगंज विधानसभा प्रभारी अजय जायसवाल की अगुवाई में सितारगंज विधानसभा में बंगाली समाज द्वारा अखंड कीर्तन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। वहीं दिनेश मोहिनिया ने कहा कि ये नया साल नव परिवर्तन का साल होगा। 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। आम आदमी पार्टी के आखिरी 45 दिन का कैंपेन शुरू करने के लिए अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस भवन में नए साल पर 2022 के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी नेता सुंदरकांड पाठ में मौजूद रहे, जहां पर नए साल की शुभकामनाएं दी गई, साथ ही अच्छे दिन की कामना की गई। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता और गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद ने नए साल में गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए हैं, जिससे ठंड में गरीबों को कुछ राहत मिल सके। डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि वो विभिन्न माध्यमों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके, क्योंकि वो जानती है कि एक गरीब और जरूरतमंद को किन परेशानियों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। उन्होंने सभी धनाढ्य लोगों से आग्रह किया कि सब लोग गरीब जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें। उन्होंने कहा कि 2022 शुरू हो गया है, वहीं कई नेता भी लोगों के पास अपनी नेतागिरी दिखाने को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर कोई कुछ नहीं कर रहा। के लोग हों या पूरे उत्तराखंड के लोगों को मैं नववर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
एक बात मानती हूँ कि सक्षम व्यक्ति को जरूर आगे बढ़कर के मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ यहाँ पर एक से एक नेता आते हैं। अभी कल ही में एक हमारी उत्तराखंड की थापली जी है, मैं उनका एक चीज सुन रही थी कि पिछले 10 सालों में गणेश जी ने क्या किया। तो गणेश जी ने तो जो भी कुछ किया, किया या नहीं किया, ये तो सारी जनता जानती है। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे करना चाहती हूँ कि गोदावरी थापली जी ने पिछले 5 सालों में जब से वो चुनाव लड़ी है, आज आकर के वो विधानसभा में आ रही है, तो उन्होंने क्या किया? ये मेरा उनसे खास क्वेश्चन है और मेरे वो इस सवाल का जवाब जरूर देंगी। मतलब जनता भी आज सब जानती है कि नेताओं का क्या हाल है यहाँ पर, और नेता जो है गरीब जनता का, बेचारे जो मासूम लोग हैं जिन्हें बेवकूफ बना करके उनसे वोट बैंक की राजनीति जो कर रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौन व्रत पर बैठे, जहां पर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठे। पूरा हिंदुस्तान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहीं नए साल के पहले दिन ही कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, जबकि मुद्दा विहीन विपक्ष सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित है। पूरा हिंदुस्तान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौतरफा विकास कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बन रहा है और शक्तिशाली भारत बन रहा है। दुनिया ने देखा है, दुनिया आज भारत का अनुसरण कर रही है, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि इस कोरोना महामारी के समय में भी देश के 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का काम हो, या दुनिया का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन को पूरा करने का काम हो, जिसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक लग चुका है, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। 2 स्वदेशी टीकों का भी जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। आश्रम में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविन्द्रपुरी योग पुरुष परमानंद महाराज समेत भारी संख्या में साधु संत और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है, जिसमें पीवी के प्रसाद को निदेशक अभियोजन बनाया गया है, जबकि अमित कुमार सिन्हा को अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार सीसीटीएनएस बनाया गया है। वी मुर्गेश्वर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था बनाए गए हैं। वहीं संजय गुंजियाल अपर पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। केवल खुराना को पुलिस महानिरीक्षक पीएनएम बनाया गया है। विमला गुंजियाल को पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी और पुलिस दूरसंचार निवेदिता बनाया गया है। कुकरेती को पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। रेणुका देवी को पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था और इंद्रजीत सिंह को पुलिस उप महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। करते अगली खबर का, देहरादून में धर्म संसद के खिलाफ मुस्लिम संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और धर्म संसद में दिए गए विवादित बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, इस तरह के आयोजन में ऐसे बयान देना गलत है, जितने लोग इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यह है कि पुलिस इस समय सरकार की दलाल बनी बैठी है और सरकार के एतबार से काम कर रही है। जिस संविधान की पुलिस ने कसम खाई थी वो काम पुलिस नहीं कर रही है। अब हमने देखा नेशनल चैनल्स पे इस बात को देखा, पुलिस का एक इंस्पेक्टर आरोपी पास जा रहा है और ठाके लगा के हंस रहा है और वहाँ पर एक डकैत पुलिस को ये कह रहा है, SHO को ये कह रहा है निष्पक्ष जाँच नहीं करेगा, हमारा लड़का है हमारी बात करेगा, और उसके बावजूद SSP हरिद्वार की तरफ से पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई ना होना ये शर्मिंदा करने वाली बात है और निंदनीय घटना है। दूसरी बात हमारी ये है, वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मोहम्मद, हमें उस पर सख्त एतराज़ है और सेक्शन 95 CRPC में हमने के हवाले से एक एप्लीकेशन शासन में दी थी, वो अभी तक उस पर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं हुआ है, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। ये हमारी
दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है, धर्म संसद में, शर्म संसद में इन लोगों ने इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, जो कि सेक्शन 121 ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 124। लालकुआ विधानसभा में ट्रांसपोर्ट नगर में बीजेपी के युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को उनकी समस्या का जल्दी समाधान करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे के उच्च अधिकारी और फॉरेस्ट के उच्च अधिकारियों से जल्द वार्तालाप कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नगर साइड में आ रखा था, यहाँ पे हमारे जो भाई हैं इन लोगों की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिनके तहत इन लोगों को यहाँ पे अपने काम करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए है टेम्प्रेरी इसको बनाने के लिए। तो मेरी फॉरेस्ट के अधिकारियों से बातचीत चल रही है, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ रख के ही कार्य किए जाते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इन लोगों की जो भी समस्याएं हैं पूरी करूँ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना और ओमिक्रोन को लेकर कहा कि सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण की योजना की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के प्रयासों से हम कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर का सामना करने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि नए वेरियंट ओमिक्रोन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसके लिए सभी अस्पतालों में प्रभारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर राज्य के बाहर से आने जाने वालों की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। क्या की है, कल हमने इसके लिए बड़े उच्च स्तरीय एक बैठक की है, बहुत समीक्षा की है, लंबी समीक्षा, और उसमें हमने ओमिक्रॉन की जो बचाव है उसके उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है, और जो जरूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। जो है हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 15 से 18 साल के बच्चों का अभी वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर हमने सारी बीसी कर ली है, सभी जिलाधिकारियों से और चिकित्सा अधिकारियों से बात हो गई है, और हमारा लक्ष्य है कि 7 दिनों में हमारे जितने भी बच्चे हैं 6.5 लाख के लगभग उन सभी को पूरी तरह से। वहीं हरिद्वार में कोरोना का कहर देखने को मिला है। दरअसल फ्रंट लाइन वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चेनराय महिला अस्पताल में 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं मेला अस्पताल में भी 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना जांच भी अब की जा रही है। उत्तराखंड में नए साल के पहले ही दिन ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक के मुताबिक जिन मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है उनमें देहरादून निवासी एक 28 वर्षीय युवक का सैंपल जांच के लिए 31 दिसंबर को लिया गया था, जिसे उसी तिथि में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज लैब भेजा गया। युवक 17 दिसंबर को गुरुग्राम से देहरादून आया और किसी तरह के लक्षण नहीं होने पर भी होम आइसोलेशन में रहते हुए कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। दूसरा मरीज त्यागी रोड देहरादून निवासी 23 वर्षीय युवक है, और ये व्यक्ति गुरुग्राम से 21 दिसंबर को देहरादून आया, जिसका 24 दिसंबर को भेजा गया सैंपल पॉजिटिव पाया गया। तीसरा मरीज त्यागी रोड देहरादून निवासी 15 वर्षीय किशोर है, मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया, नमस्कार।